आयशा तेरे कदमों पे कुर्बान मैं, आयशा तेरे कदमों पे कुर्बान मैं, तेरी अजमत का कोई किनारा नहीं, तेरी अजमत का कोई किनारा नहीं, आयशा तेरे कदमों पे कुर्बान मैं, तेरी अजमत का कोई किनारा नहीं। आयशा तेरा दर्जा हो किसे बयां, आयशा तेरा दर्जा हो किसे बयां, तुझको हक ने बनाया है मोमिन की माँ, तुझको हक ने बनाया है मोमिन माँ, तुझसे प्यारे मोहम्मद ने फरमा दिया, तुझसे प्यारे मोहम्मद ने फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी, आयशा तेरी चौखट से जो दूर है, आयशा तेरी चौखट से जो दूर है, वो कभी पंजतन को प्यारा नहीं, वो कभी पंजतन को प्यारा नहीं, आयशा तेरे कदमों पे कुर्बान मैं, तेरी अजमत का कोई किनारा नहीं। अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नौरीना हमारे साथ मौजूद हैं और बीबी आयशा सिद्दीक़ा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते अक़दस की शान में ये खूबसूरत सा कलाम पेश कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगाज़ करें, आपको मालूम है मैं हूँ इमरान हसन और अरवला मेरे साथ हैं, मैं चाहूँगा नौरीना सब्ज़ गुंबद वाले, चूँकि आज अमजद साबरी साहब की बरसी भी है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा उस रेफरेंस से अगर दो शेर आप हमें उनके सुना दें तो फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके सामने नौरीना साहिबा ये खूबसूरत सा कलाम पेश कर रही थी। और जैसा कि इस कलाम से पहले भी हमने जिक्र किया, अमजद साबरी साहब का आज 16वां रोज़ा है और तल्ख याद ही है यकीनी तौर पे आज के दिन ही। हम अगर इंसानी मुख्तलिफ असनाफ की बात करें तो मखलूक की खिदमत ही अल्लाह की इबादत है और बेहतरीन इबादत है। अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और कई लाजवाल दुआया कलिमात के पढ़ने वाले और इनको तख्लीक करने वाले और हम तक पहुंचाने वाले अमजद फरीद साबरी की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने मखलूक की खिदमत की इन्हीं कलामों के ज़रिए। आज के दिन उन्हें कराची में सफाक दरिंदों ने गोलियां मारी और उस कातिलाना हमले में वो जहाने फानी से कूच कर गए। अमजद फरीद साबरी ने मैं खबर अंधेरी में घबराऊँगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह, इतनी दिल जमी से पढ़ा और उनका आखिरी कलाम था कि उन्होंने अमर कर दिया और उसी की याद में आज हमने दोबारा उनका जिक्र किया। बिल्कुल, अमजद साबरी के हवाले से आपको बताएं तो कवाली के शोबे में भी अपनी सलाहियतों को ऐसे मनवाया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अमजद साबरी की अगर हम बात करें, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में शोहरत हासिल की, ताजदार हरम हो। अमजद साबरी साहब की पढ़ी गई कवाली आज भी सुनने वालों पर सह तारी कर देती है। इसके साथ साथ भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, आज इस प्रोग्राम में इस हवाले से अमजद साबरी को हमने ट्रिब्यूट भी पेश किया, आगाज़ में नौरीना ने उनका कलाम भी पढ़ा, और उसके साथ साथ आज जब इस प्रोग्राम में हम जिस हस्ती पाक का जिक्र करने वाले हैं, नौरीना ने जिस कलाम का आगाज़ किया था, हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से बात करेंगे। और 2000 से ज़ायद अहादीस उनसे मरवी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पाक के बाद आप दर्स दिया करती थी, और हज के मौके पर जब मक्का मुकरमा जाती तो लोग उनसे बातें सीखते, मसाइल का हल जानते। आज हम उन्हीं के हवाले से अपने बिल्कुल आज अम्मा
आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत व फ़ज़ीलत के हवाले से बात होगी। और मुझे लगता है कि सभी जो हमारी अम्माएँ हैं, सभी उम्मातुल मोमिनीन हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को खूब जाना, लेकिन इतने दिलचस्प असनाफ़ और औसाफ़ को इतने मुनफरद तरीके से जिस तरीके से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जाना, शायद ही वो किसी को नसीब हुआ हो। और वैसे तो सबका अपना दर्जा है, सबका अपना मकाम है, लेकिन जो दर्जा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रब्बे करीम की ज़ात ने दिया, वो शायद किसी और शख्सियत के हिस्से में नहीं आया। हम इसी पे बात करेंगे, मेहमानों का तारफ़ कराते हैं। एज़ यूजुअल हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं और आज इनका ये पसंदीदा मौजू भी है, बीबी आयशा की ज़ात मुबारक के हवाले से बात होगी। हमारे साथ वक़ार मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ समाजी लिहाज से हम आम इस्लामी और समाजी लिहाज से जो मौजूदात हैं उनको हम इंटीग्रेट करके आपके सामने रखते हैं। नौरीना ने नाज शरीफ पेश की और हिना न्याजी आज हमारे बीच यहाँ पे सेट के ऊपर मौजूद नहीं है, आज वो कहीं आउटडोर हैं और इसको हमने सरप्राइज रखना है कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। ये वैसे हमारे लिए भी सरप्राइज है कि वो कहाँ पर हैं। हिना से भी हम कुछ देर में बात करेंगे कि वो कहाँ पर हैं। और अभी हम मौलाना इमरान बशीर साहब की तरफ जाते हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि आज हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान और अज़मत व फ़ज़ीलत के हवाले से बात करने वाले हैं, तो उनकी अज़मत व फ़ज़ीलत आप बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारी ज़ुबानें इस काबिल नहीं हैं कि उस माँ की शान को बयान कर सकें। मेरे आपके पूरी उम्मत के माँ बाप उस अम्मी आयशा पे कुर्बान, और जो रब ने उनको हया और पाक दामनी और इफ़त अता फ़रमाई, पूरी दुनिया पे तकसीम की जाए तो तब भी कम पड़ जाए, इतनी अल्लाह ने उनको पाक दामनी और इफ़त नसीब फ़रमाई। अम्मी जान अम्मी आयशा के बीसियों फ़ज़ाइल हैं। सबसे बड़ी फ़ज़ीलत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, फ़ज़लु आयशा अला निसा का फ़ज़ल सरीद अला सा'इर ताम, कि मेरी आयशा की फ़ज़ीलत पूरी कायनात की औरतों पर ऐसे है जैसे अरब के हाँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सरीद जो खाना है, जो शोरबे के अंदर गोश्त के शोरबे में रोटी भिगो के खाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा सरदार खाना और अच्छा समझा जाता है। तो आपने फरमाया जैसे वो खानों में सबसे अफजल है, ऐसे आयशा मेरी आयशा पूरी कायनात की औरतों में सबसे अफजल। माशाल्लाह। एक मरतबा अम्मी जान अम्मा आयशा पास बैठी हुई थी तो हज़रत फातिमा तशरीफ़ लाई, तो जैसे बंदा एक मज़ीद बात को पक्का करने के लिए, प्यार तो पहले ही आपस में बहुत था, आपस में सहेलियाँ भी थी, प्यार भी बहुत ज़्यादा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से अपनी बेटी से लख्त जिगर से कहा कि अलस्ति तुहिब्बीन, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, यानी जैसे पक्का किया जा रहा है। कहा हाँ यार रसूल, क्यों नहीं? तो फिर मैं आयशा से प्यार किया करो, अल्लाह की कसम मुझे ये बहुत ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। और नाम लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कभी आयश, कभी हुमैरा, मुख्तलिफ छोटे अलकाब जिसे कहते हैं ना, इन नाम को मुखफ्फ करके वो पेश करना, कभी कहना या आयश, कभी हुमैरा कहना, कभी कुछ मोहब्बत के साथ नाम लिया करते थे। और इनको चूँकि कुछ चीज़ें अभी सीखने की उम्र थी, तो बाज़ दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी बारी होती तो आटा तक खुद गूंद के दिया करते थे। और इनके इकराम का और एहसास का यहाँ तक अम्मी जान खुद बताती हैं कि अगर मैं आराम कर रही होती और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ जाता तो पंजों के बल चल के जाते कि आयशा की नींद मुतासिर ना हो। तो ये खाली बातें तज़किरे के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें भी अपने घरों में ये चीज़ें लेकर आनी चाहिए। बच्चे छोटी छोटी बात पर घर वालों को उठा देते हैं, और कोई मेहमान आ जाए हम खुद उठा देते हैं, शोहर बीवियों का एहसास नहीं करते। जी शोहर, तो ये हमें अम्मी जान की सीरत से, अम्मी जान खुद ये चीज़ें बयान करती हैं कि मेरे शोहर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ यूं मामला किया करते थे। और एक अजीब बड़ा प्यारा जुमला देना चाहूँगा, रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है, मनाना आका की सुन्नत है। वाह वाह वाह। तो खवातीन का रूठ जाना ये अम्मी जान की सुन्नत है। हम इसमें मर्द हजरात बाज़फा नादानी में और बेवकूफ़ी में आके इसी में गाली गलोच, बुरा भला और हैपर होके तलाक तक बाज़फा नौकते पहुंच जाती हैं। ये तो अल्लाह ने एक मोहब्बत का प्यार का रिश्ता बनाया है, और इसको प्यार अच्छा, ये मौलाना इतना अच्छा इतना प्यारा ताल्लुक है कि जी चाहता है आप बोलते रहें हम सुनते रहें,
लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायत और अब भी मौजूद है गांव देहातों में, अभी ब्रेक नहीं है, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि अभी भी हमारे गांव देहातों में एक चीज मशहूर है कि जी औरत जो है ना उसको जरा दबा के रखें थोड़ा, पांव की जूती, पहले दिन से ही दबा के रखें ताकि वो आपके सामने बोले ना, ये रिवायत बड़ी और ये शहरों में पढ़े लिखे लोगों में भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से तो ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती, नबी करीम ने तो उनका इकराम किया हालांकि उम्र में छोटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के बादशाह, तो इस पे जरा रोशनी डालिए। देखें ये जिन्होंने पूरी दुनिया पे फतह अल्लाह ने उनको अता फरमाई इमामुल अंबिया, क्योंकि काफिर भी गैर मुस्लिम भी कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि कहते तारीफ वो है कि जो दुश्मन भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। अबू जहल से बदर के मौके पे किसी ने पूछा कि आपकी क्या राय, क्या रब्बे काबा की कसम इस जैसी अजीम हस्ती मैंने नहीं देखी, तो काफिर भी यानी दुश्मन भी तारीफ गवाही दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ ये रवैया पेश करके और फिर हुक्म दिया कि इन्ना मिन अक्रबिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाका, कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है और मेरे कदमों में सबसे करीब वो शख्स होगा जो जिसके जितने अखलाक अच्छे होंगे। फिर उसकी और वजाहत की खियारुकुम लिनिसाइकुम, जो अपनी खवातीन के साथ सबसे बेहतर है वही कायनात में सबसे, यानी फजीलत का मेयार जो मुकर्रर किया और बढ़तरी का और आला इंसान होने का, जैसे हमने मुकर्रर किया बड़ी गाड़ी बड़ी कोठी बड़ा बंगला बड़ा पैसा, नहीं, आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जिसके बीवी के साथ रवैया ठीक है मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ वो कायनात का सबसे अफजल तरीन इंसान है। और इसलिए आप देखेंगे कि अम्मी जान अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पानी पी रही हैं तो आप दाखिल हो रहे हैं घर के अंदर, फरमाया आयशा महलन या आयशा, आयशा ठहर जाओ, पता नहीं क्या फरमाने लगे, कहा आपने कहाँ से पानी पिया, कहा यहाँ से पिया, उन्हीं जगह पर होंठ लगाकर अल्लाह के महबूब पानी पी रहे हैं। और फिर जहाँ से गोश्त खा रही हैं आप फरमाते कहाँ से, तुमने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ से खा, उसी जगह से अल्लाह के महबूब गोश्त खा रहे हैं। और ये उम्मत को सबक दिया कि इकट्ठे खाना खाना एक दूसरे को खाना खिलाना इससे मोहब्बत बढ़ती है। एक मियाँ बीवी की नई नई शादी हुई तो मैंने उन्होंने बताया आके कि जी लड़ाई शुरू हो गई है, जैसे आपने बताया कि वो बिल्ली मारने के चक्करों में, तो मैंने कहा बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाओ, तो दो चार पाँच दिन के बाद दोबारा मुझे मिला, मैंने कहा हाँ जी खिलाया खाना, कहते जी मुझे शर्म आती है, मैंने कहा बेशर्म इंसान लड़ाई करते हो तुझे शर्म नहीं आती, और आका करीम की सुन्नत अपनाते हो तुझे शर्म आ रही है, तलाक की तरफ जाते हुए शर्म नहीं आ रही, और आका करीम की ये सुन्नत को अपनाते हुए, और आप अंदाजा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान के साथ दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ दूसरी दफा जब एक पहली दफा दौड़ लगाई तो अम्मी जान अम्मी आशा आगे निकल गई, अगली दफा जब दौड़ लगाई तकरीबन 8 साल बीत चुके थे इस बात को, 8 साल दोबारा जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के महबूब आगे तशरीफ ले गए, तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया फतिल का बितिल का, एक होता है रस्मन एक दौड़ लगाई थी या मौका मिला उसको भी याद रखा, मोहब्बत इस हद तक कर रहे हैं कि उसको भी याद रखा जो 8 साल पहले की थी दौड़, कहा उस वक्त आप आगे निकल गई आज मैं आगे निकल गया तो ये अदला बदला हो गया। तो इतनी अल्लाह ने शान बयान फरमाई और इसके बावजूद इमामुल अंबिया अपने घर वालों के साथ इस अंदाज में पेश आ रहे हैं, और हत्ता के बाज दफा जब अल्लाह के महबूब से रूठ जाती तो कसम का अंदाज बदल लेती, इस पर भी अल्लाह के महबूब कभी नाराज नहीं है, जब मोहब्बत वाली कैफियत होती तो कहती रब मोहम्मद, और जब नाराज होती तो कहती रब इब्राहिम। हम दोबारा जरा यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं, इस वक्त चूंकि आपको मालूम है कि आज NA 249 कराची के अंदर ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान, मेनली वहाँ पर बड़ा मुकाबला है। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नईम खानजादा साहब वहाँ पर मौजूद हैं और वो हमें अपडेट करेंगे कि वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। नईम बहुत शुक्रिया, एक तो हमें बताएगा क्या पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, और दूसरा ये कि ओवरऑल क्या टर्न आउट रहा, क्या कराची के लोग निकले वोट डालने के लिए, गर्मी भी आज थोड़ी ज्यादा थी। जी बिल्कुल, देखें आज जो है ये रमज़ान में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात कराने का जो तजुर्बा था वो हमें ये देखने में आया कि वो नाकाम ही साबित हुआ, इसलिए कि आज शदीद गर्मी की लपेट में था कराची, और उसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल के ऊपर भी लोग जो है वो खौफज़दा हैं, बहुत ज़्यादा लोग एहतियात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तो अब उसके बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत ने जो है वो टर्नआउट जो है वो बहुत कम रखा है, तकरीबन 400 वोट थे एक पोलिंग स्टेशन में, सिर्फ वहाँ पर 37 वोट जो है वो कास्ट हुए, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोट का जो है टर्नआउट जो है वो किस तरह का हुआ होगा। तकरीबन एक जगह पर 1500 वोट थे, वहाँ पर तकरीबन जो है वो
47 वोट जो है वो टोटल कास्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से जो है तो मजमूई तौर के ऊपर 272 पोलिंग स्टेशन हैं और उसके साथ ही बहुत बड़ा इलाका है ये, जिसमें केमाड़ी के भी कुछ इलाके लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का दो इलाके लगते हैं। वो बहुत बड़ी आबादियाँ हैं और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो रहती हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि आज पुरअम तौर के ऊपर जो है वो इक्का दुक्का जो वाक़ात होते हैं, नारेबाजी या इस तरह के तल्ख कलामी मामूली नौयत की, जो वो ज़रूर हुई है, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर किसी किस्म का जो है वो हमने यहाँ पर मिस साहब नहीं देखा। और उसके साथ साथ जो है वो पुलिस की जो DIG जो थे, SSP थे, वो यहाँ पर राउंड करते रहे। रेंजर्स के जो एहलकार थे वो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 रेंजर्स एहलकार थे, 12 के करीब जो है वो पुलिस के जो है वो एहलकार यहाँ पर मौजूद थे। अब जो है वो गिनती का अमल शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अब पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो यहाँ का जो अमला है वो खास तौर के ऊपर वो हमसे भी जो है वो ताबून कर रहा है और हमें हर जगह के ऊपर अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ही जो अंदाजा होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नईम खान ज़ादा साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से और गाहे वक्त से अपडेट भी लेते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट मुकाबला है, मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और नून लीग आज ये दावा कर रही है कि हम पिछली सब रिवायत को तोड़ेंगे और फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि यहाँ पे वाज़े बरतरी तरीके इंसाफ को हासिल है। फैसल वाउडा साहब ने ये सीट छोड़ी, अगर आपको हम याद कराते चलें। मौजू की तरफ वापस आएंगे, एक तो अपना आप जो सुना रहे थे उसको मुकम्मल भी कीजिएगा और दूसरा ये कि हमारे माशरे के अंदर जब ये इस बिगाड़ की हम बात करते हैं ना, तो साथ एक जुमला ये भी आता है कि जी इसकी वजह ख्वातीन है, इस वजह से शोहर को सख्त होना पड़ता है कि हम अगर सख्ती ना करें तो वो इसकी मुर्द इल्ज़ाम ख्वातीन को ठहराते हैं, ओवरऑल एक माशरती बिगाड़ का बायस बनते हैं। और इतनी बड़ी शरह जो तलाकों की आपने जिक्र किया उसकी बुनियादी वजह भी यही है जी। उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, एक है हम अपने अक्ल और शोर से चलें और एक है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई है, तफासीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने अक्ल के 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, बकिया 99% अक्ल अपने महबूब को अता फरमाई। वो फरमा रहे हैं जिसका मफहूम है कि कमीना आदमी बीवी पर गालिब आता है, हैवी होता है और अपना रोब और दबदबा इस दर्जे में रखता है कि उनके सांस ही खुश्क रहते हैं, और करीम आदमी इनके जायज़ नाज नखरे बर्दाश्त करता है और फरमाया मैं पसंद करता हूँ इस बात को कि मैं मगलूब हो जाऊँ बनिस्बत इसके कि मैं गालिब आऊँ और करीम पने से मैं निकल जाऊँ। तो ये बिल्कुल वाज़े एक चीज़ फरमा दी गई, नंबर एक। नंबर दो, जो आप देखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया को फतह किया है वो किस बुनियाद पे किया है? अखलाक की बुनियाद पे कि तलवार की बुनियाद पे? तो आपको नजर अखलाक की बुनियाद पे। तो अगर अल्लाह अपने महबूब को फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि अगर आपकी जुबान पे सख्ती हो, शिद्दत हो या दिल में इनके लिए बोझ हो, तो सहाबा जैसे प्यार करने वाले भी आपसे दूर हो जाएंगे, तो हमारे बीवी बच्चे हमसे दूर नहीं होंगे। आज हमारी बेजा जो शिद्दत है और बेजा जो सख्तियां हैं, इसने पकड़ के घरों के घर सुकून बर्बाद कर दिए हैं। गुजारिश यह है कि आप खुश्क रोटी दे दें, सादा रोटी दे दें, लेकिन घर में दो चीज़ें सिर्फ ना दें, एक शक ना करें घर में। आज शक की बीमारी बहुत ज़्यादा है, कोई भी हमारी माँ बहन बेटी मोबाइल पकड़ दिए तो पता नहीं किसके साथ ये चैट कर रही है, बदगुमानी। ये शक करना छोड़ दें और दूसरा बात बात पे तलाक के ताने देना, मैं तो तलाक दे दूंगा, इन दो बीमारियों से बचना चाहिए। घर का माहौल बेहतर रखना, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस हवाले से रहेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो, खैर रमजान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, खैर रमज़ान और एक फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसमिशन के आगाज़ में आपको बताया था कि हिना नियाज़ी आज हमें सेट पे ज्वाइन नहीं करेंगी, इस वक्त वो आउटडोर हैं कहीं पर, कहाँ पर मौजूद हैं हिना से ही जानते हैं। जी हिना, बताइएगा कहाँ पर हैं और आज आप हमारे साथ सेट पर क्यों नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम अरमला और इमरान और वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगी कि आज मैं सुंदर फाउंडेशन में मौजूद हूँ। ये एक ऐसा इदारा है जो 1998 से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों के लिए काम कर रहा है और इस हवाले से इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। थैलेसीमिया एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जो वालदैन के जीन्स के जरिए बच्चों में मुंतकिल होती है, और थैलेसीमिया हेमोफीलिया के हवाले से हम बाकायदा आपको इसमें डिटेल्स देंगे, हमारे साथ मेडिकल स्टाफ भी मौजूद होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर खालिद अब्बास डार साहब से और जानेंगे कि सुंदर फाउंडेशन की थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से काम कर रहा है। चूंकि रमजान का महीना है, लोग ज़कात और इत्यार दिल खोल कर देते हैं, किस तरह से लोग डोनेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
वक्त हमें खालिद अब्बास डार साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, कैसे हैं आप? कैसे हो आप? ऐसा आपने माइक में बोले, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं दरमियाना सा हूँ, कोई इतना ना अच्छा हूँ और ना इतना बुरा हूँ। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आपकी आंख अच्छी है, इसलिए न्याजी जितने हैं उनकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। अच्छा डार साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन किस तरह से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों के लिए काम कर रहा है, आप कब से इसके साथ मुंसलिक हैं और कब ख्याल आया, कैसे जुड़े इस फाउंडेशन के साथ? ये असल में ये कोई 23 बरस से ये यासिन खान ने इसकी बुनियाद रखी। हमारी एक बच्ची थी सुंदस, उसका नाम था जी, तो बिल्कुल वो थैलेसीमिक थी और वो उसकी डेथ हो गई, तो उसके नाम पे ये इदारा शुरू हो गया और फिर मुन्नू भाई आ गए और मुन्नू से मेरा ऐसा याराना था, कोई 50-55 बरस की मेरी दोस्ती थी। जब जब कभी मुन्नू बुलाता था मैं आ जाता था, तो अब 10-11 बरस से तो मैं बिल्कुल फुल टाइमर हूँ। जब भी कभी मेरी जरूरत होती है बच्चों को, मेरे बच्चों को, और मैं आ जाता हूँ और जहाँ जहाँ सुंदस के लिए मुझे काम करना होता है मैं कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सारी जिंदगी लोगों को एंटरटेन किया, लोगों को हंसाया, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, अभी भी आप बिजी होते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं सुंदेशन को, किस तरह से टाइम देते हैं? नहीं, ये कोई इतना टाइम नहीं मांगती, ये अल्लाह का काम है। ये हर चीज जो है मिन जानिब अल्लाह है, बेशक वो जो हमें अल्लाह ने अता किया कि हम लोगों को हंसाएं और लोगों के दुख जो है वो बांटें, तो ये सबसे बड़ा दुख ये है कि जिसका बच्चा थैलेसीमिक है ना, आप उससे पूछें कि उसका क्या हाल होता है। ये मेरे पास कोई 6,000+ बच्चे हैं, 6,000+। हाँ जी। तो अब मुझे पता है कि ये बच्चे हमारे यहाँ जो वो हमारी बीवियाँ आती हैं, 4-4 बच्चे हैं, चारों ही थैलेसीमिक हैं और खामंद ऐसे हैं, उनके अल्लाह उनको हिदायत दे कि उन देखें, ये अपना उनको डाइवोर्स कर दिया हुआ है कि तुम मनहूस हो, तुम बीमार बच्चे पैदा करती हो। तो ये बीमारी ऐसी है, इसमें हर 12-15 दिन बाद, बल्कि महीने में 2 दफे भी इनको खून ताज़ा चाहिए होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सालाना अखराजात पिछले साल कितने थे और इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये तो मुखय्यर हज़रात को अल्लाह जिंदगी दे और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हमारी मदद करते हैं और जो अल्लाह के दिए में से देते हैं हमें और इन बच्चों के काम आता है। पिछले साल कोई हम, मेरा ख्याल है 30-35 करोड़ के करीब खर्च किया हमने और इस साल कोई 50 करोड़ के करीब, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है और हमें जो चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, ये बैग्स जो हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो हमें खरीदनी पड़ती हैं बाहर से, तो वो अब इस साल इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा, अगर यही हमें ज़कात और ये खैरात और ये सदका और ये नफली सदका और ये डोनेशन हमें मिलती रही तो अल्लाह मेहरबानी करेगा, 50 करोड़ भी यानी इकट्ठा हो जाएगा कोई ऐसी बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, तरीका कार क्या है, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, माली इमदाद करना चाहते हैं, क्या तरीका कार है, किस तरह से आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाए, किस तरह से डोनेट किया जाए? वजह यह है कि हमारे बैंक अकाउंट जो है वो तो अक्सर हमारे पंफलेट, हमारे ऐसे टिकर चलते रहते हैं डिफरेंट जगहों पे, ये जो लोग हैं वो बैंक में भी दे देते हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि ये 880 जो शादमान है ये हमारा हेड ऑफिस है, 880 शादमान जी। तो एक हमारा सेंटर है इस्लामाबाद में, एक गुजरात में है, एक सियालकोट में है, एक फैसलाबाद में है, गुजरावाले में, अभी एक हाफिजाबाद में खोला है। तो लोग डिफरेंट एरिया से, मुख्तलिफ शहरों से अपने अपने करीबी जो सेंटर्स हैं वहाँ के डोनेट कर देते हैं, वो तो हेड ऑफिस में आ जाते हैं पैसे, मगर मुखय्यर हज़रात जो है ये अल्लाह वाले, अल्लाह इनको हिम्मत दे, इनको जिंदगी दे और इनको यानी और ध्यान दे, क्योंकि ये सारे पैसे इधर ही रह जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं। आपके पास आपका वही पैसा है जो आपने अल्लाह की राह में खर्चा है, बेशक। तो ये बच्चे ऐसे हैं, ये बीमारी ऐसी है, ये सारी जिंदगी का साथ होता है, जिस तरह गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, इस तरह ये इनको ताजा खून चाहिए होता है, हर 15 दिन बाद, हर 16 दिन बाद। बाद बच्चे 2 दफे आते हैं महीने में हमारे पास, बाद बच्चे 1 दफे आते हैं। अच्छा। तो वो बड़े एक्सपेंसिव, 2 से ज्यादा दफा भी आते हैं ब्लड शुरू में आते हैं और फिर ये है कि वो मेडिसिन से कंट्रोल हो जाते हैं, मगर ये है कि अल्लाह मेहरबानी फरमाए, ये जिसका बच्चा थैलेसीमिक है ना उसको पूछे। हमने हर दफे हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि शादी से पहले आप दूल्हा और दुल्हन टेस्ट होता है, बिल्कुल दूल्हा और दुल्हन जो है उनके टेस्ट कराएं कि वो कहीं कैरियर तो नहीं है, बिल्कुल। तो वो बस देखें अब क्या होता है, अगर हो जाएगा तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में ये थैलेसीमिया खत्म होता जा रहा है।
बिल्कुल। और अब हमारी भी कोशिश ये है कि अल्लाह करे जिस तरह सुंदस काम कर रही है और भी इदारे काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर जैसा हम काम करते हैं, हमारा जो डोनर है, हमारा जो वो यानी मुखय्यर यानी शख्स है, वो हम पे एतमाद करता है और हमें हमें बहुत देते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो लोग अभी चूंकि रमजान भी है, लोग ब्लड की डोनरशिप भी ज्यादा होगी, लोग क्या डोनेट करने आ रहे हैं क्योंकि कोविड की भी अगर सिचुएशन को देखा जाए तो? हाँ नहीं, बहुत ज्यादा कम खून इकट्ठा हो रहा है, मगर दावत इस्लामी वाले जो है वो हमें बड़ी मदद दे रहे हैं खून देने में। उनके हर यानी जो सेंटर है हमारे यहाँ वो पहुंच रहे हैं दावत इस्लामी वाले और ये कसर पूरी कर रहे हैं हमारी। और हमारे पास जो खून अगर बच जाए तो हम शहर की जितने अस्पतालों की ओपीडीज हैं उनमें खून बांट भी देते हैं। अच्छा, आपके अपने पास भी यहाँ पर ब्लड बैंक है? मेरे पास वो इक्विपमेंट है जो शौकत खानम में लगा हुआ है। ठीक हो गया। Over to you, Armelain Imran. जी है ना, एक तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप कर रही हैं और डार साहब को देखकर हमें वैसे ही बड़ा आसरा होता है, बड़ा ही हौसला होता है, ऐसी शख्सियत हमारा बहुत बड़ा आसासा है और हमारी बेस्ट विशेष जरूर पहुंचाइए। और 6 बजे के बाद हम दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे और बात करेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। आप देख रहे हैं खैर रमजान एक्सप्रेस। एक्सप्रेसो खैर रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप बराह रास्त हमारे साथ ये नशरियात देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सुंदस फाउंडेशन में थे और अब ब्रेक के बीच में हम ये बात कर रहे थे कि जिसके ऊपर एक मुसीबत होती है, जिस शख्स के ऊपर, वो शख्स ही जानता है कि उस मुसीबत का लेवल क्या है और फिर कैसे उसके अंदर अपने आप को कंपोज रखना है। हम सब के ऊपर सोशली एक जिम्मेदारी आती है कि ऐसी जितनी भी तंजीमें हैं खास तौर पर जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए हम इन दिनों में खास तौर पर और पूरा साल ही बढ़ चढ़ के काम करें और उनकी सपोर्ट। और पाकिस्तानी नेशन वैसे भी फिलैंथ्रोपी में बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है कि हम बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, ज़कात अत्यात देते हैं। और सुंदस फाउंडेशन जिस तरह से भी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पे बच्चे सफ़र करते हैं और जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर ये नीचे अकाउंट नंबर भी मैंशन है, आप अगर कॉन्ट्रीब्यूट कुछ भी कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूट करें। और चूँकि सुंदस फाउंडेशन के बारे में हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि बहुत बेहतरीन इदारा है और बच्चों की फलाह के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो अपना हिस्सा ज़रूर डालिए इसमें, हम तो ये गुजारिश करेंगे। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और अभी मौलाना ताहिर हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब रोजाना की बुनियाद पर किसी अहम मौजू पे हमें बताते हैं और आज का मौजू क्या है उनसे देखते हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم। واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। ناظرین رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آج ہم سب تلاش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت اور عافیت دے دے۔ اس کرونا کی وبا نے انسانوں کو عاجز کر دیا ہے, تمام تر کوششوں کے باوجود پوری دنیا جو ہے وہ اس وبا سے باہر نہیں نکل سکی۔ بلا شبہ ویکسین ضروری ہے, لینی چاہیے, علماء فتویٰ دے چکے ہیں۔ ایسے حالات میں راستہ کیا ہے؟ دو راستے, اللہ کی طرف رجوع اور اس سے عافیت اور رحمت طلب کرنا۔ وہ عافیت کیسے ملے گی اور رحمت کیسے ملے گی, اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من صلی علی مرتا فتح اللہ له بابا من العافیہ, جو ایک بار مجھ پر درود پڑے گا, ایک بار جس نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد, ایک بار, صرف ایک بار, اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہے, طاقت ہے, خزانے ہیں, مالدار وہ ہے جس کے پاس علم اور حلم ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک دو احادیث عرض کروں گا۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے رویے, ہمارا انداز, ہماری گفتار,
ہمارا اخلاق ان کے مطابق ہے یا ان سے مختلف ہے. مغفرت کے اس عشرے میں ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی رب سے معافی مل جائے. اللہم انک عفو تحب العفو. یہ اس مقدس مبارک رات کی دعا ہے جو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کو کہی کہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو یہ دعا کرنا. جب پوچھا کہ کیا دعا کروں کا, اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہم بھی لوگوں کو معاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم بھی لوگوں پہ رحم کریں تاکہ اللہ ہم پہ رحم کر دے. آج کے حالات بلا شبہ ایسے ہیں, رویوں میں سختی ہے, پریشانی ہے, اضطراب ہے, معاشی مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, ان سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے, رجوع اللہ. اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے مہربانی چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی مہربانی کرو, لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. قرآن کریم کی آیت ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ان کو نرم دل مل گئے, یعنی نرم دل ہونا بھی اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اور نرم دل تب ہوگا جب اللہ سے مانگیں گے, جب وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور کہا سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے آئے گی؟ جب آپ نرم دل ہوں گے, جب آپ نرمی سے پیش آئیں گے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ سخت مزاج ہو جائیں, سخت دل ہو جائیں, تو یہ لوگ منتشر ہو جائیں گے, آپ کے قریب نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ, یہ پہلے تو ان کو معاف کر دیں آپ, پھر ان کے لیے استغفار کریں, اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب آپ ارادہ کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یہ نہیں کہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں, ہر طرف جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور کہ میں بڑا متوکل ہوں, نہیں. اپنے اللہ کے سامنے اپنی عرض داشت پیش کر دو اور پھر اس سے کہو تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, تو نہیں میرے معاملات اور مسائل کو حل کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس کے در سے خالی نہیں آئیں گے. جس طرح اللہ کے در سے ہم خالی نہیں آنا چاہتے, اس طرح کوئی ہمارے دروازے پر بھی اگر آ جائے اسے کچھ نہ دے سکیں تو محبت کے دو بول دے کر ضرور روانہ کریں. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہے گلشن اسلام کی بہار عائشہ سرکار کا سکون دلے قرار عائشہ ان کے ظہور پاک سے تاریکیاں مٹی نکھار عائشہ.
दिले करार हो एक बार आयशा और सैयद की इल्तिजा है ए मादरे करीम सैयद की इल्तिजा है ए मादरे करीम दरबार आयशा है गुलशने इस्लाम की बहार आयशा सरकार का सुकून दिले करार आयशा। माशाल्लाह सुभानअल्लाह नौरीना अब इस वक्त एक खूबसूरत कलाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान अक़दस में पेश कर रही थी और क्या ज़बरदस्त अशआर थे। यकीनी तौर पे आपको भी अच्छा लगा होगा। हमारा सिलसिला है खैर रमज़ान का जिसमें हम आज अम्मा आयशा की ज़ात मुक़दसा के हवाले से बात कर रहे हैं और 16वां रोज़ा है तो उस हवाले से भी डिस्कशन जारी ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमने कराची जाना है जी। अच्छा जी हमने कराची जाना है इस वक्त चूँकि NA 249 का जो इंतखाब है वो जारी है और नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। NA 249 में इस वक्त ज़मीनी इंतखाबात जारी हैं और जो सबसे इस वक्त बड़ा अलमिया है वो हमारे रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि महज 10 से 15% का टर्न आउट है और ऐसा लगता है कि अवाम ने इस इलेक्शन के प्रोसेस से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया जो कि अच्छी खबर नहीं है जमहूरियत के लिए। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। हिना न्याजी से पहले सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के बच्चों के साथ मौजूद थी और वहाँ पर हमारी मुलाकात भी करवा रही थी। हिना दोबारा से आपकी जानेब आएंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर आप किससे हमारी बात करवाने वाली हैं? जी अर्मला आप लोग आज फिर से स्टूडियो में इफ्तारी कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मैं यहाँ थैलेसीमिया के बच्चों के साथ खालिद अब्बास डार साहब के साथ आज अपना रोजा इफ्तार करूंगी और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सुंदर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यासीन खान साहब ने। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इफ्तारी जो है सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के साथ की और आपने जिक्र किया कि किन किन तकलीफों का या परेशानियों का जो है सामना करना है। बिल्कुल तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सुंदस फाउंडेशन का जो काम है ये खैर का काम है और ये मेरे रब का काम है और जो मेरे रब के काम होते हैं उसमें उसकी मदद शामिल होती है। बस सिर्फ हमारी नीयतें ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी नीयतें ठीक होंगी तो इंशाल्लाह ताला इन कामों में जो भी मुश्किलात आती हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के सदके से जो है वो दूर हो जाती हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं हमारे ऊपर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन के ऊपर एतमाद करते हैं। वो अपनी ज़कात खैरात और अतियात और सदकात जो है वो सुंदस फाउंडेशन को देते हैं और इस तरह के जो ये नन्हे फूल हैं ये आते रहते हैं और जगमगाते रहते हैं और इनकी जो खुशबू से जो है माहौल जो है हमेशा मुअत्तर रहता है। तो मैं आज आपके चैनल के तवस्सुल से एक अपील करना चाहता हूँ अपने तमाम मुहैया हजरात से कि जो लोग हमारे इदारे को और बाकी इदारों को जो है वो अपनी ज़कात देते हैं खैरात देते हैं और अतियात देते हैं उनसे ये अपील है कि वो चाहे सुंदस फाउंडेशन को अपने माली अतियात दें या ज़कात दें खैरात दें या बाकी इदारों को दें वो अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद अपने अतियात दें क्योंकि खास तौर पर रमजानुल मुबारक के महीने में इतने ज्यादा इदारे जो है वो आ जाते हैं
ज़कात कलेक्ट करने के लिए, और इतने लोग आ जाते हैं जिससे इन मासूम बच्चों का जो है और जो और खैराती इदारे अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको जो है वो नुकसान होता है, उनको उस चीज का नुकसान होता है, क्योंकि इनका इलाज मुआवजा जो है वो ज़कात और खैरात पे होता है, और ये ज़कात और खैरात जो है वो गलत हाथों में चली जाती है, वो जो हैचुअल लोग हैं वो आदि जो भिखारी हैं उनके पास चली जाती है, तो जिस वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो देखभाल कर अपनी ज़कात और अतियात दें। यासीन खान साहब, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, वो लोग जो माली इमदाद करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनके पैसों को यूटिलाइज किया जाता है इस कॉज के लिए। यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन में जो है एक बहुत अच्छा निज़ाम है, ज़कात का और अतियात का अलग अलग अकाउंट है, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो लोग ज़कात देते हैं, जो मुस्तहिकीन हैं उनका जो है उस ज़कात से जो है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इलाज में जो है वो ब्लड की स्क्रीनिंग शामिल होती है, उनके लिए मेडिसिन शामिल होती है, इनके ऊपर जो है ज़कात वगैरह जो है इस्तेमाल होती है। यासीन खान साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग घर पे मौजूद हैं, क्योंकि कोविड है, हर कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या कोई ऐसी सहूलत है कि आपका ट्रेंड मेडिकल स्टाफ घर जाके उनके जो है वो ब्लड कलेक्ट कर सके, जो लोग डोनेट करना चाह रहे हैं? इसी तरह है कि जो अगर ब्लड डोनेट करना चाहें तो हमारा जो स्टाफ है वो घर के ऊपर भी जाके, घरों पर जाकर भी अच्छा। जो है वो उनसे ब्लड कलेक्ट कर सकता है। और इसी तरह जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं या ज़कात करा देना चाहते हैं, हमारे राइडर हैं, प्रॉपर तौर पे उनको वैक्सीन हुई हुई है अच्छा। और SOP को फॉलो करके जो है वो लोगों के घरों से भी अब ज़कात और खराज जो है कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ जो है हमारे जो है वो बैंक में भी जो है वो डोनेशन और ज़कात जो है एप्स के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। जबरदस्त हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और बात का जिक्र करूँगी, जिस तरह डार साहब ने कहा, आजकल जो है रमजान मुबारक के महीने में जो है वो खून के अतियात की बहुत कमी है, लोगों से अपील है कि वो खून के अतियात भी दें ताकि जो है इन कीमती जिंदगियों के चिरागों को रोशन रखा जा सके। और इस सिलसिले में मैं आपके चैनल के तवस्सुल से जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दावत इस्लामी का, कि दावत इस्लामी ने अभी भी हमारे लिए न सिर्फ सुंदस फाउंडेशन के लिए बल्कि और बाकी जो थैलेसीमिया के इदारे हैं उनके लिए जो है वो खून के अतियात इकट्ठे करने की जो है वो मुहिम का आगाज कर दिया है, और वो जो है कल से जो है कल और परसों से जो है वो मुहिम जो है वो शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह ताला दावत इस्लामी के सैकड़ों जो है कारकुन वो खून का अतिया देंगे। और उसके साथ साथ जो है पंजाब पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके जवान भी हर वक्त जो है वो इन बच्चों उनके हथियार देने के लिए हाजिर होते हैं। ठीक हो गया डार साहब, बहुत सुंदर फाउंडेशन इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा क्या हुकूमत की सपोर्ट है, अगर नहीं है तो इस वक्त हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत यानी अगर है तो यानी उसको सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा, तो जहाँ तक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम, वेरी अच्छा। रेयर मतलब है, ये तो अल्लाह जिंदगी दे मेरे उन डोनर्स को जो अल्लाह वाले हैं और हमें डोनेट कर देते हैं और हमारा जो खर्चा है पूरा हो जाता है। गवर्नमेंट को जो चाहिए ना वो नहीं कर रही गवर्नमेंट, अच्छा उसको और क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? अपील तो ये करना चाहूंगा कि मुझे देखे आके मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर देखती हो और जानती हो मेरा जो अकाउंटेंट है और मेरा जो ऑडिटर है वो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है, वो मेरे मुलाजिम नहीं है, उनकी मर्जी के बगैर उनके इजाजत के बगैर हम एक आना खर्च नहीं कर सकते। आके देखे कितना ट्रांसपेरेंट है मेरे अकाउंट्स का ये सारा सिलसिला और क्या एक्टिविटीज है मेरी, मैं जो बैग खरीदता हूँ, जो मेरी मशीनरी लगी हुई है, जितने मेरा इक्विपमेंट लैब में है वो शौकत खाना में और ये आगा खान के पास भी वही इक्विपमेंट है, मगर गवर्नमेंट आए तो सही, देखे तो सही और मेरी मदद करे, जो देती है बहुत कम, वेरी रेयर, ना होने के बराबर। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको चाहिए कि अगर हो मौजूद तो बताओ ना ये डोनेशन जो है इसको डबल करो, मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए इस साल,
पिछले साल में तो मतलब है डॉलर का रेट ये नहीं था, चीजें इतनी महंगी नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। बिल्कुल। तो मेरा गवर्नमेंट से अगर कोई बाइस इख्तियार ये इख्तियार रखता है कि मेरी डोनेशन बढ़ा सकता है तो उसको चाहिए कि ये अल्लाह की राह में उसने देना है, मुझे तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अल्लाह का फजल है। बिल्कुल। तो मेरी डोनेशन भी बढ़ाए। हमारे साथ यहाँ पे थैलेसी में एक बच्चे मौजूद है, मैं चाहूंगी की इनसे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताओ कि महीने में कितनी दफा आना पड़ता है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? मुझे दो बार। दो बार आना पड़ता है, कैसा महसूस करती हो, कैसे पता चलता है कि खून की कमी हो रही है? बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है ना, हल्का हल्का फीवर भी होता है, तो फिर तभी पता चल जाता है कि अभी हमें चार्ज होने की जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ पर आकर कैसा महसूस करती हो, यहाँ का स्टाफ कैसा है? यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, सारे दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, फातिमा। फातिमा, फातिमा मुझे ये बताओ कि आप महीने में कितनी दफा आती हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? 20 डेज के बाद आती हो। बेटा आप ये माइक पकड़ लो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आकर कैसा महसूस करती हो? बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे पता चलता है, आपको भी क्या सिम्टम्स होती हैं? सेम यही सिम्टम्स होती हैं, सर में दर्द होता है, फीवर होता है? नहीं, वीकनेस हो जाती है और आईज का कलर चेंज होता है, येलो येलो हो जाता है। तो खून जो है, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें और यहाँ के लिए सकात व अतियात दें, क्योंकि आप लोगों को इनकी जरूरत है। और कोई बच्चा बात करना चाहेगा? लड़कियां ही डोमिनेट कर रही हैं। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ये जो आप हम तक मालूमात पहुंचा रही हैं, क्या नाम है? हिना, आप हमें सुन पा रही हैं? उज़ैर, उज़ैर बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। आपको आवाज आ रही है? मुझे ये बताओ कि कब आप कितनी दफा आती हो महीने में? दो दफा आते हो जी, है ना? अगर आप हमें सुन पाए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और हमने दुआ के लिए भी जाना है, ये मौजू तो ऐसा है कि इस पे हम जी जल्दी से बताओ, लोग जो इस पर देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम तक? मैंने ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, ज्यादा से ज्यादा सदका हो एहतियात करें ताकि हमें और फायदा हो इस सेंटर में। जबरदस्त हो गया, प्लीज आप इन बच्चों को देखें तो आपको एहसास होगा कि ये कितनी तकलीफ में हैं, आपके सदकात की, जकात की, और आप लोग जितना चाहें वो डोनेट करें। इस वक्त मौलाना साहब वहाँ दुआ करा रहे हैं, हम भी इस दुआ में शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हिना, हम दुआ के लिए, चूंकि मौलाना इमरान बशीर हैं, आप खुद भी ऐसी जगहों पे मौलाना जाते रहते हैं, बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है, अल्लाह इन सबकी मुश्किलें भी आसान करे। तो मैं चाहता हूँ कि इफ्तारी का वक्त आने को है, प्लीज दुआ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्ना ज़ुआफा फ़क़विना, अल्लाहुम्मा इन्ना अज़िल्ला फ़अइज़ना, अल्लाहुम्मा इन्ना फ़ुक़रा फ़अग़निना, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ، ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ، اے رات کو دن میں، دن کو رات سے، عزت کو ذلت، ذلت کو عزت، مردہ سے زندہ، या अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं आप, या अल्लाह जिल्लत की पस्तियों से निकाल कर इज़्ज़त की चोटियों पे पहुँचा दे, या अल्लाह इस्लाम का, मुसलमानों का हर जगह बोल बाला फरमा दे, या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से अपने हबीब के गिरतांसों के तुफैल कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल करीम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, खैर रमज़ान और अफ्तार चूँकि लाहौर में हो चुका है, लेकिन अब ये बारी हमारे सेगमेंट देसी फूड की, जिसमें फरियाल राना कुछ नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाने वाली हैं जो खिदमत खल का जज्बा रखते हैं और बहुत सारे लोगों को अफ्तारी और खाना खिलाते हैं। तो आज का देसी फूड जो है बहुत खास होने वाला है रमज़ान स्पेशल के हवाले से, देखते हैं। आप वो देखिए और हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा।
नाजरीन जीते तो सब अपने लिए हैं, क्यों ना दूसरों के लिए भी जिया जाए, दूसरों की मुश्किलात और मसाइल को महसूस करके उनका हाथ बटाया जाए और उनकी मदद की जाए। आज मैं आई हूँ मियो हॉस्पिटल, जहाँ पर कुछ नौजवान लोगों को इफ्तारी करवा रहे हैं। ये इफ्तारी की तैयारी कैसे करते हैं, चले आए देखते हैं। फूड बॉयज के हमजा बट मौजूद है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने ये इफ्तारी बांटने का काम कब से शुरू किया? हमें तकरीबन ये एक साल हो चुका है। हम अफ्तार के अलावा स्लम्स एरियाज़ में जो लोग रोड्स पे सो रहे होते हैं, जो झुग्गियों में रह रहे होते हैं, जो लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, जो वहाँ पे मर जाते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, तो हमारा फूड बॉयज बनाने का मकसद ये था कि हम सिर्फ फूड को लेके चलें, क्योंकि खुराक जो है वो एक तो किसी को भूखे को खाना खिलाना सबसे अफजल अमल है, और इंसान कमाता भी जो है वो खाने के लिए है। तो हमने एक इनिशिएटिव लेके चले थे सब दोस्त के, यार हम फूड बॉयज़ के नाम से एक इदारा बनाते हैं जिसमें हम लोगों से खाना कलेक्ट किया करेंगे, होटल से, रेस्टोरेंट से, या कोई लोग जो खाना तकसीम करना चाहते हो अल्लाह की राह में मगर उनके पास टाइम नहीं होता। आजकल बहुत बिजी रूटीन है तो किसी के पास टाइम नहीं होता, तो हम अपने अपने बिजी जो अपना फ्री टाइम होता है उसमें से जाके जो खाना तकसीम करेंगे ज़रूरतमंद को। तो हम इसके अलावा जो रमज़ान के अलावा रोड्स पे लोग सो रहे होते हैं उनको रात का खाना भी तकसीम करते हैं, झुग्गियों में भी जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कोई जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आपकी कितनी टीमें हैं और कहाँ कहाँ काम कर रही हैं? हमारी जो लोकेशन है 4 से 5 जगह पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। जनरल हॉस्पिटल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गया, मियाँ हॉस्पिटल में तो हम खुद आ रहे हैं, और उसके अलावा जो हादरा चौक है हम वहाँ पे भी खड़े होते हैं। उसके अलावा जो हम मोटरवे के करीब जो डबल सड़कें हैं बाबू साबू के करीब भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो मोटरवे पे भी लोग जा रहे होते हैं अक्सर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उनका भी रोज़ा रोड पे इफ्तार हो जाता है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स भी, अगर आपके चैनल्स के कोई देख रहे हैं बच्चे या कोई स्टूडेंट वगैरह जो आजकल फ्री हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, तो हमें वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। अच्छा हमजा, ये एक एहसास है, एक जज्बा है किसी की मदद करना, तो आपको ये ख्याल कैसे क्यों आया कि आप भूखों को खाना खिलाएं? इस्लाम हमें कहता है कि रंग नस्ल मजहब को भूल के किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे अफजल अमल है। आप ये ना देखें कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, आप उसको खाना खिलाएं अगर वो भूखा है। अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारे साथ, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आते हैं जो हमारे साथ मिलकर इफ्तारी करवाते हैं, हिंदू कुछ लड़की हैं वो यहाँ पे आके हमारे साथ वो हमें खाना भी डोनेट करती हैं, यहाँ पे आके लोगों को इफ्तारी भी करवाती हैं। जब आप सोचते हैं ना कोई नेक काम करना, या कोई आप चाहते हैं कि हम कोई नेक काम करें, तो अल्लाह कोई रिसोर्सेज क्रिएट कर देता है। हमें आइडिया नहीं था आज से एक साल पहले कि हम ऐसे इफ्तारी करवाएंगे। आज से एक साल पहले अगर देखा जाए तो हम 10-10 लोगों को इफ्तारी करवाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 400-500 लोगों को इफ्तारी करवा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है, हमने अगले साल 1000 बंदे को इफ्तारी करवानी है। जो लोग चाहते हैं कि आपके थ्रू दूसरों की मदद करें, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम सबको कहते हैं, जो हमारे डोनर भी होते हैं, हमें कोई सपोर्ट भी करते हैं, हम उन्हें कहते हैं पहले अपनी गली में देखें, अगर वहाँ पर किसी का रोज़ा इफ्तार नहीं है तो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार करवाएं। अपने मोहल्लों में निकले, अगर वहाँ पर कोई रोड्स है तो वहाँ पर अगर लोग ट्रैफिक जाम है तो आप उधर इफ्तारी करवा दें। हाँ, इन सब के बाद अगर आपको पता चल रहा है जी हम गली में भी बांट रहे हैं, हमारे नेबर्स में भी खाना जा रहा है, हम रिश्तेदारों में भी बांट रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारा एक फूड बॉयज़ का पेज है, फेसबुक पे जाके फूड बॉयज लिखेंगे हमारा पेज आ जाएगा, वहाँ पे हमारे बैंक डिटेल्स भी हैं, हमारा वहाँ पे मोबाइल नंबर भी है, तो वहाँ पे आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें, हमें व्हाट्सएप पे बता देंगे मैं देख देना चाह रहा हूँ, मैं डोनेशन देना चाह रहा हूँ, मैं खुद आना चाह रहा हूँ। हम तो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ आके तकसीम करें, ताकि आपको पता चले आपकी जो चीज़ है वो कहाँ पे जाके हम तकसीम कर रहे हैं। जब आपने ये काम शुरू किया था तो कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा था? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया ना तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, मगर कहते हैं जब आप कोई नेकी का काम कर रहे हो या कोई अच्छा काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला जो है वो रास्ते बना देता है। शुरू में हमने चीज़ें तकसीम करनी होती थी मगर हमारे पास पैसे नहीं होते थे। अब जाहिर बात है हमने अगर कहीं पर जाके इफ्तारी करवानी है या देगें तकसीम करनी है या खाना बांटना, उसके लिए हमें फ़ंड तो चाहिए होंगे, तो स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं होते थे, मगर मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ बहुत जो है साथ दिया, जितनी भी मेरी टीम है खासतौर पर, उन्होंने अपनी सैलरी आती थी तो मुझे 1000 रुपया, 5000 रुपया, कोई 2000 रुपया जमा करवाते थे कि हमजा भाई आपने ये इस महीने बजट बना लें, 20,000-30,000 जमा और हम सबका मिला के तो हम उससे खाना बांटेंगे। अच्छा, व्लॉग के साथ साथ नादिर अफराद को जो आप राशन वगैरह देते हैं उनकी वीडियोस भी बनाते हैं, तो इसका क्या मकसद है? हमें बहुत नेगेटिविटी भी सुनने को मिलती है इसी वजह से, तो मेरा उन तमाम लोगों से एक सवाल है कि अगर आप टिकटॉक पे हेल्थ वीडियोस बना रहे हैं, आप वन व्हीलिंग की वीडियोस डाल रहे हैं, क्या वो करना ठीक है? अगर हम सड़क पे रोक के किसी फुटपाथ पे सोए बंदे को उठा के खाना खिला रहे हैं तो इस और वीडियो पैगाम के जरिए एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर ये मैं कर रहा हूँ लाहौर में बैठ के, आप हैदराबाद में या सिंध में मुझे देख रहे हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई गलत तो नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप भी इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।